हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आबू धाबी T10 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और ये जो होगा इसका 5th एडिशन होगा। इसके पहले 4 एडिशन जो है वो हो चुके हैं, जिनके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। लेकिन अभी का जो एडिशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मैच इवॉल्व हो रहा है, सीरीज इवॉल्व हो रहे हैं, वैसे वैसे आप देखोगे कि पहले के ज़माने में जो है वो 20 ओवर में जो शुरुआत के रन बनते थे वो 160-170 जब रन बनता था तो लगता था कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रन जो है वो बन रहा है। अब जब 200 रन भी बन जाता है तो लगता है कि अरे ये तो चेस हो जाएगा, चेसेबल है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वो इनहेंस जो है वो आपको गेम में देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे जो है इनहेंस का लेवल आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो है ये जो 5th एडिशन है T10 का, ये किस तरह से जो है एक अच्छा सा एडिशन हो सकता है सभी पंटर के लिए। और साथ में सावधान रहने वाली बात ये भी होती है कि जब भी T10 का लीग होता है तो वो खासकर पंटर के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अबू धाबी लीग जो है एक थोड़ा सा रेपुटेशन वाला लीग है, तो एक अच्छा सा जो है वो आपको प्रॉफिट दे के जा सकता है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, तो वीडियो के स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पे जो है वो जुड़ जाओ। यहाँ पे आपको जो है T10 से रिलेटेड और बाकी जो भी इस दौरान मैसेज चलेंगे उनके रिलेटेड जो है आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में आप कॉल पर मेरी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, या फिर ये वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो आप मुझसे जुड़ सकते हो। बात करते हैं हम यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो जो ये मैच जो होंगे वो होंगे आपको 19 नवंबर से जो है आपको होके 4 दिसंबर तक जो है ये सारी चीज़ें चलेंगे। 5 दिसंबर से आपको पता है कि BBL जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और 5 दिसंबर से साथ में आपको लंका प्रीमियर लीग जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले आपके पास कुछ बजट हो, ये सारी चीज़ें हो, यहाँ से जो है आप एक अच्छा सा बजट जो है बना सकते हो, लेकिन सावधानी हमेशा बरत के चलना है, क्योंकि जहाँ सावधानी हटेगी T10 में जो है वो दुर्घटना घट जाएगी। और ये जो टोटल होगा वो होगा 16 दिन का, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है आपको UAE क्रिकेट बोर्ड जो है ये इसको होस्ट करता है, इसको कराता है। फॉर्मेट T10 है और होस्ट जो है आपको सारे मैचेस UAE में एक ही ग्राउंड पे जो है ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट देखोगे तो वो है टोटल 6, यानी कि 6 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। टोटल मैचेज आप देखोगे तो 35 जो है वो मैचेज हैं, जिनमें से 30 जो है वो लीग मैचेज होंगे, और ये 300 लीग मैचेस देखोगे कि आप तकरीबन जो है वो 13-14 दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगे। और क्वालिफायर एलिमिनेटर मैचेस की बात करते हैं तो इनको मिला के 2 क्वालिफायर मैचेज होगा, 1 एलिमिनेटर होगा, जिनको मिला के टोटल 3 मैचेस ये होंगे। इसके अलावा एक थर्ड प्लेस का मैच होगा, यानी कि जो थर्ड प्लेस के लिए जो है वो फाइट करेगा, और साथ में एक फाइनल जो है वो खेला जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो है वो 35 मैचेज आपको देखने को मिलेंगे। लाइव की बात करते हैं तो इंडिया में जो है आप लाइव इसे जो है अगर आप ऐप पे देखना चाहते हो, ऑनलाइन देखना चाहते हो, तो आप बूट ऐप पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर टीवी नेटवर्क की बात करते हो, कलर जो नेटवर्क है उस पे जो है आपको दिख मैचेज ये दिखेंगे, और कलर पे जो है आपको कलर सिनेप्लेक्स और रिश्ते साइन प्लस जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। टीम की बात करते हैं तो ये जो 6 टीमें हैं यही जो है इस बार पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें नॉर्थन वॉरियर है, इसके अलावा दिल्ली बुल्स, टीम अबू धाबी, बंगला टाइगर, डेक्कन ग्लैडिएटर और द चेन्नई ब्रेव्स जो है ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये जो है 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये इसके अलावा बात करते हैं ओपनिंग मैच का, तो जो ओपनिंग मैच होगा वो होगा आपको नॉर्थन वॉरियर और दिल्ली बुल्स में, दोनों टीमें काफ़ी तगड़ी है, और यहाँ पे जो है एक बहुत ही बेहतरीन सा जो है मैच आपको देखने को मिल सकता है। और इसका रीज़न भी है कि आप देखोगे तो जो भी यहाँ पे जो मैचेज होंगे उनमें से आप देखोगे नॉर्थन वॉरियर है बहुत सक्सेसफुल टीम रहा है, 4 एडिशन में से 2 एडिशन जो है ये जीत रखे हैं, और दिल्ली बुल्स भी इस बार का देखोगे तो काफ़ी मजबूत टीम है। तो जो ये मैचेज होगा, और अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो पहला मैच जो होगा वो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे 7:30 से जो है पहला खेला जाएगा, दूसरा जो है वो 9:30 से होगा। और जिस दिन 3 मैचेज होंगे उन 3 मैचेज में आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा कि पहला मैच 5:30 से होगा, दूसरा जो है 7:30 से होगा, और तीसरा जो है 9:30 से होता है। तक लगातार आप देखोगे 4-5 घंटे में जो है आपको 3 मैचेज देखने को मिलेंगे। और T10 का जो है खासियत है कि एक बहुत ही तेज़ी से जो है वो आपको यहाँ पर मैचेज समाप्त होते हैं, और बहुत तेज़ी से जो है वो आपको फॉर्मेट इवॉल्व भी कर रहा है। बात करते हैं उससे पहले जो अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये डिटेल्स है, यहाँ पे जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। बात करते हैं हम यहाँ पे वेन्यू की, तो जो वेन्यू होगा वो होगा शेख जगह स्टेडियम अबू धाबी पे, जहाँ पे टोटल 35 मैचेज जो है वो खेले जाएंगे, और ये टोटल 35 मैचेज बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से खेले जाएंगे, एक ही ग्राउंड पर खेले जाएंगे। तो जैसे हमने IPL में देखा, वर्ल्ड कप में देखा कि अबू धाबी जो है वो अभी के ग्राउंड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जो है वो ग्राउंड देखने को मिल रहा था। तीनों ग्राउंड जो वहाँ पे है उनमें से जो दो हैं, जो दुबई है और आपको जो है शारजहाँ देखने को मिल रहा था, उनमें से अबू धाबी जो था वो सबसे बेहतरीन ग्राउंड था, जहाँ पे एक तरह से जो है वो मैचेज एक तरफा नहीं हो रहे थे, दोनों टीमों को जो है वो काफ़ी मदद मिल रहा था। उसी तरह से जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है।
और इसके अलावा इस ग्राउंड पे अगर ड्यू की हम बात करते हैं तो ड्यू को जो है वो फ़र्क हर ग्राउंड पे रहता है, लेकिन जहाँ पे सॉर्टेड फॉर्मेट हो, सॉर्टेड फॉर्मेट में जहाँ पे आपको 10 ओवर का मैचेस खिलाए जाते हैं, तो 10 ओवर के मैचेज में जो है ड्यू का उतना इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि 10 ओवर के मैचेज में जो है आपको मार के ही खेलना होता है, चाहे आप कैसे भी कंडीशन क्यों ना हो, आप उसमें जो है वो कुछ पार्टनरशिप बिल्ड करने का या ज़्यादा लंबी पारी खेलने का जो है वो सोच नहीं सकते हो, तो इसलिए जो भी होता है वो फेंक के जो है खेलना होता है। इसके अलावा बात करते हैं तो टोटल जो है आप देखोगे कि यहाँ पे 35 मैचेज जो है वो टोटल होंगे, जिनमें से 10 से 15 मैचेज ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल नन कटिंग होंगे, जो कि बड़े आराम से जो है आप नन कटिंग तरीके से उसे खेल सकते हो। इसके अलावा 5 से 10 मैचेज जो है वो मिनी जैकपॉट के तौर पर आएंगे, इसके अलावा 5 से 8 मैचेज जो है आपको बुकी के तौर पर आएंगे, और 5 से 8 मैचेज ऐसे होंगे जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग मैसेज हो सकते हैं। और यही मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे फॉर्मेट में, T10 के फॉर्मेट में जो लाइफ चेंजिंग मैसेज होते हैं, जो घोड़ा मैसेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसका रीज़न भी होता है कि T10 का फॉर्मेट जो होता है वो बहुत ही जल्दी जो है वो पलरा इधर से उधर जो है वो पलट जाता है, और यही जो चीज़ें होता है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर टीम की बात करते हैं तो अगर पंटर टीमों की बात करोगे तो आपको डेकन और दिल्ली बुल्स जो है ये पंटर टीमों में इस बार नज़र आएगा, और साथ में नॉर्थन को जो है आप पिक करके चल सकते हो, लेकिन नॉर्थन को जो है मैं हमेशा ट्रम्प कार्ड में जो है वो रख के चलता हूँ। इसके अलावा वन साइडेड मैसेज की बात करें, जहाँ पे बुकिंग मैसेज जो होते हैं तो चेन्नई तरफ से ज़्यादा चांसेस जो होगा आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा ट्रम्प कार्ड की बात करते हैं, नॉर्थन वॉरियर जो है मैंने जैसे बताया कि मैं इसको जो है वो ट्रम्प कार्ड में लेके चलता हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपको यहाँ पे इनके परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इसका रीज़न भी है कि पिछले अगर 4 एडिशन देखो तो 4 एडिशन में जो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, और प्लेयर जो भी रहा है, कैप्टन जो भी रहता है, एक अच्छा सा जो है परफॉर्मेंस जो है वो टीम पूरे निकलवाता है, टीम जो है पूरा अच्छा परफॉर्मेंस करती है, और एक बिल्कुल वेल रिस्पेक्टेड जो मैचेज होते हैं उस तरह से जो है ये सारे मैचेज खेलते हैं। और पिछले जो भी एडिशन हुए आप उनमें देखोगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये मैसेज इन्होंने खेला है। वहीं हम घोड़ा टीम की बात करते हैं तो बांग्लादेश टाइगर जो है वो आपको, सॉरी बांग्ला टाइगर जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि एक घोड़ा टीम के तौर पे जो है वो काम कर सकता है, क्योंकि इस बार के जिस तरह के प्लेयर हैं इनके वो काफ़ी जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा हम काम की बात करते हैं तो आपको जो है वो सारे डिटेल्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि काम में जो है वो सारे चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे विनर हो, एंट्री हो, सेशन या जैकपॉट, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि आप नॉर्मल मैचेज में जो है वो आपको देखते हो। तो आप जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और साथ में आपको जो है इस T10 में किसी भी तरह का जो है वर्क करना है तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हो, और साथ में आप कॉल पर जैसे सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। इसके अलावा हम रिसेंट सक्सेसफुल टीमों की बात करते हैं तो नॉर्थन वॉरियर जो है ये 2 बार जो है वो मैचेस जीत चुका है, और 2017 से जो है ये T10 फॉर्मेट चल रहा है, और इन 2017 के बीच में आप देखोगे तो जो पहला था वो केरला किंग्स ने जो है 2017 में जीता था, 18 में नॉर्थन वॉरियर्स ने जीता, 19 में जो है आप मराठा अर्बियन आ गया, और 20 में जो आपको ध्यान मिलेगा कि यहाँ पर नॉर्थन वॉरियर जो है वो जीता पिछले साल। इसके अलावा ये जो है वो 21-20 का जो है वो आपको 21-22 का जो है वो सीरीज चल रहा है, और ये जो है आपको 19 से शेड्यूल किया गया है कि स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो है ये डिटेल्स है जिससे आप जो है मुझसे जुड़ सकते हो, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स जो है मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।